हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेकिंग दिस इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर, आपका मेंटर मयूर आज आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के रिवीजन के साथ, जिसमें हम लोग समझेंगे चैप्टर मशीन्स। आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए जिनके पास खासतौर से कंसाइज की बुक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर वॉच करें। आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। बट मैं चाहता हूं कि और ज्यादा से ज्यादा प्लीज सपोर्ट करिए, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचाइए, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके ज्यादा से ज्यादा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विच इज रिलेटेड टू द रिवीजन ऑफ मशीन्स। मशीन्स एक ऐसा चैप्टर है जो काफी टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा जो आईसीएसई बोर्ड है वो इतना ज्यादा इसे टेक्निकली नहीं पूछता है। हमारे आईसीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लिमिटेड लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। हमारे में टॉपिक से बाहर बहुत कुछ नहीं जाता है। हमारे बोर्ड की सबसे अच्छी खासियत यही है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है। स्टूडेंट को सिर्फ वो उतना टॉपिक पढ़ाते हैं जो उसके लेवल के हिसाब से, जो उसकी एज ग्रुप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो। तो मशीन चैप्टर को हमें पहले कुछ डिवाइड कर लेना है। मशीन में अगर आप देखोगे तो आपको दो पार्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा, फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको मेनली इंट्रोडक्शन कराया जाएगा मशीन और उससे टर्म्स से रिलेटेड, मशीन्स एंड रिलेटेड टर्म्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में रहेगा। और जो सेकेंड पार्ट है बेटा, वो सेकेंड पार्ट हमारा रिलेटेड है पुलिस से। तो ये दो पार्ट में हमारा चैप्टर डिवाइडेड है। और पहले चैप्टर में भी पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें से भी कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि लीवर्स, लीवर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हटा दी गई है, तो वो इस साल के स्टूडेंट्स को वैसे भी नहीं पढ़नी है। तो ये बहुत छोटा बट मार्क्स गिविंग चैप्टर आपके लिए बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ मशीन्स। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है हाउ टू प्रिपेयर मशीन्स चैप्टर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है व्हाट इज अ मशीन, मशीन की डेफिनेशन। आप सभी को थ्री इडियट्स मूवी याद होगी, मैं भी आपसे यही कहूंगा कि जो आमिर खान उसमें डेफिनेशन बताते हैं, मशीन इज अ थिंग, मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर। जिस तरह मेरा चैनल शायद आप लोग के लिए फिजिक्स को इजी बना रहा है, उसी तरह मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे वर्क को इजियर बनाए। यस, आमिर खान वॉज एब्सोल्यूटली राइट इन दैट मूवी। लेकिन जैसा कि उनके टीचर ने कहा था, अगर आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो आप वही डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल, कुछ साइंटिफिक टर्म्स आए। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए वो डेफिनेशन का मतलब समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बता देता हूं कि आप वो डेफिनेशन बहुत आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले मशीन्स की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम उसके फंक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में, आपके सिलेबस में जो मशीन की डेफिनेशन दी गई है, दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मशीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मशीन्स। सो देयर आर द फोर फंक्शंस में दी। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एनी सिंपल मशीन इज टू रिड्यूस द एफर्ट। कम से कम एफर्ट में हम ज्यादा से ज्यादा लोड को रेज कर सके, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मशीन। और इसी फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में बोलने जा रहा हूं, मशीन कैन बी एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कोई भी मशीन जो होती है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह बिहेव करती है। ये जो फोर्स मल्टीप्लायर वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? फोर्स मल्टीप्लायर वर्ड मीन्स व्हेन 50 किलोग्राम ऑफ लोड, फॉर एग्जाम्पल 50 किलोग्राम ऑफ लोड कैन बी रेज्ड विद द हेल्प ऑफ लेस देन 50 किलोग्राम। अगर 50 किलोग्राम का कोई लोड है, उसे आप उसके एक्चुअल से कम पे अगर आप उठा सकते हो, तो वो मशीन कही जाएगी फोर्स मल्टीप्लायर, जिसने आपके एफर्ट को कम कर दिया और लोड को इंक्रीज कर दिया। कम एफर्ट में ज्यादा लोड को रेज करना, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये किसी मशीन का पहला फंक्शन बनता है। द सेकेंड फंक्शन इज टू अप्लाई द फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। मशीन का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फोर्स को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कराना। मशीन का तीसरा फंक्शन होता है फोर्स को कन्वीनियंट पॉइंट पर अप्लाई कराना। कन्वीनियंट डायरेक्शन का मतलब अलग है, कन्वीनियंट पॉइंट का मतलब अलग है। मैं दोनों के एग्जांपल्स देकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम बात करते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली की, जो कि वेल में यूज की जाती है, कुएं से पानी निकालने में जो पुली यूज की जाती है,
वो हमारे फोर्स को कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई करने के लिए यूज होती है। लेकिन इसी प्लेस पर अगर हम साइकिल के पैडल की बात करें कि हम लोग आगे वाले पैडल पर फोर्स लगाते हैं और पीछे वाला रोटेट होता है, तो ये होता है फोर्स को कन्वीनियंट पॉइंट पर अप्लाई करना। तो ये तीन फंक्शंस हो गए, पहला एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, दूसरा टू अप्लाई द फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, और तीसरा टू अप्लाई द फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, और चौथा और लास्ट फंक्शन है फॉर अ मशीन टू एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, लाइक द यूज ऑफ सीजर्स। सीजर्स का यूज करके हम इजिली हाई स्पीड के साथ क्लोथ्स को कट कर सकते हैं, तो ये होता है एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। अब इन्हीं चारों फंक्शंस को कंबाइन करके आप मशीन की डेफिनेशन बना सकते हो। अ मशीन इज दैट डिवाइस विच कैन बी यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और विच कैन एबल टू अप्लाई द फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन और विच कैन अप्लाई द फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट और विच कैन यूज एज अ स्पीड मल्टीप्लायर कैन बी कॉल्ड एज अ मशीन। तो ये चारों जो फंक्शंस मैंने आपको बताए, इनको आप कंबाइन करके मशीन की डेफिनेशन इजिली बना सकते हो। तो मशीन की डेफिनेशन आपको थ्री इडियट्स मूवी से नहीं लेनी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा जो बोर्ड्स है वो टेक्निकल टर्म्स, जिसको हम लोग आईसीएससी के लैंग्वेज में कहते हैं की वर्ड्स, ये मांगता है। वेन एवर यू विल राइट योर डेफिनेशन द की वर्ड्स मस्ट बी देयर, इफ की वर्ड्स विल नॉट बी देयर देन यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट मार्क्स। अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, कभी कभी एग्जामिनर बहुत ही लीनियंटली अगर आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है और इसने दे दिया आपको मार्क्स, तो आपको उसमें ये नहीं कह सकते कि आपका राइट था, दैट वॉज द लीनियंसी ऑफ दैट एग्जामिनर। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को ऐसे एग्जामिनर मिले, दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। सो मेरी बात मानिएगा, जो भी मैं यहां पर आपको बातें बता रहा हूं उसको पॉजिटिवली लेकर ही चलिएगा। उसके बाद वी हैव सम टेक्निकल टर्म्स, हमारे पास कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, आफ्टर दैट एफिशिएंसी, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, दीज टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी। ओके, सो पहला टॉपिक हम उठाते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। वॉट इज मैकेनिकल एडवांटेज? वेरी इजी डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, लोड और एफर्ट के रेशियो को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैनी टाइम्स इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, सो यू विल गिव योर आंसर वेरी फ्रीक्वेंटली, देयर इज नो यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट, रीजन भी आपको मैं बता दूं, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज दो एक जैसी क्वांटिटीज का रेशियो होता है, दैट इज वाई इट हैज नो यूनिट। सेकेंड डेफिनेशन इज वेलोसिटी रेशियो, जैसा कि आपको वर्ड समझ में आ रहा है वेलोसिटी का रेशियो, कौन सी वेलोसिटी वो अंडरस्टैंड करना है आपको, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी रेशियो। किसी भी मशीन को जब आप ऑपरेट कर रहे हो, मशीन की हेल्प से आप कोई वर्क कर रहे हो, तो जिस वेलोसिटी से एफर्ट रेज हो रहा है, जो वेलोसिटी एफर्ट प्रेजेंट कर रहा है और जो वेलोसिटी लोड प्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों क्वांटिटीज के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियोज कह सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो ऑल्सो डू नॉट हैव एनी यूनिट, बिकॉज अगेन इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। द थर्ड थिंग इज मैकेनिकल एडवांटेज, इसे समझने से पहले हमें वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट समझना होगा। वर्क इनपुट, द वर्क डन ऑन द मशीन, किसी भी मशीन पर आप जो वर्क करते हो जिससे कि लोड को रेज किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एज वर्क इनपुट। एंड वर्क आउटपुट, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, जो भी वर्क मशीन करेगी लोड को रेज करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क आउटपुट। एंड एफिशिएंसी, दिस इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट, जो एफिशिएंसी होती है दैट इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट एंड द वर्क इनपुट। अगेन एफिशिएंसी हैज नॉट एनी यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमें बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इस चैप्टर में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मशीन।
ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन जब आप बुक ओपन करोगे उसमें तमाम बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको दो पॉइंट्स बस याद रखने। फॉर एन आइडियल मशीन द आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू द इनपुट एनर्जी। कोई भी अगर हम आइडियल मशीन की बात करते हैं तो उसमें जितनी एनर्जी हम इनपुट कर रहे हैं उतनी एनर्जी हमें आउटपुट में मिलेगी। लेकिन एक्चुअल मशीन या रियल मशीन की बात की जाए या प्रैक्टिकल मशीन वर्ड आ जाए वहां पर, तो उस केस में क्या होता है, जो हम इनपुट करते हैं वो पूरी तरह से आउटपुट में नहीं पहुंच पाती है। सो वी कैन से दैट आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ प्रैक्टिकल और एन एक्चुअल मशीन। ये दो सेंटेंस आपको याद रखने हैं। फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी बोथ आर इक्वल, फॉर अ प्रैक्टिकल मशीन आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। नाउ क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है, ये जो डिफरेंस हो जाता है आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के इक्वल नहीं हो पाती है तो आखिर ये एनर्जी जाती कहां है, तो उसके रीजंस पूछे जाते हैं। तो उसका सबसे पहला रीजन ये लिख सकते हो आप, टू अगेंस्ट द फ्रिक्शनल वर्क। जब भी हम लोग किसी मशीन से वर्क करते हैं तो मशीन के पार्ट्स में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर प्रेजेंट होगा, तो हमारी एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट दैट फ्रिक्शन विल डिसिपेट, उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ पार्ट वहां पर वेस्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग, जिस भी मशीन का यूज कर रहे हैं दैट मशीन इज नॉट कंप्लीटली मासलेस, वो मशीन पूरी तरह से मासलेस तो होगी नहीं, तो इस वजह से हमें लोड के साथ साथ उस मशीन का मास भी हमारे लिए ऐड हो जाता है। तो ये दूसरा रीजन है जिस वजह से हम लोगों को इनपुट एनर्जी हमेशा ज्यादा देनी पड़ती है। थर्ड रीजन यू कैन से दैट इफ देयर आर सम स्प्रिंग्स, अगर उस मशीन में कुछ स्प्रिंग यूज हो रही है सो दोज स्प्रिंग्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक ऑल्सो, वो स्प्रिंग्स पूरी तरह से इलास्टिक भी नहीं हो सकती है, जो कि हमारे लिए अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है, हमारे लिए अपोजिट वर्क करने की बात है। तो ये तीन चार रीजंस आपके वहां पर लिखे हैं जिनसे हमें ये क्लियर हो जाता है कि क्यों इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के इक्वल नहीं हो पाती है। तो ये तीनों रीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक आती है, कभी कभी हमें एफिशिएंसी की वैल्यू दे दी जाती है, द मशीन हैज 85% एफिशिएंट, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। कोई मशीन अगर 85% एफिशिएंट है इट मीन्स दैट मशीन यूटिलाइजिंग ओनली 85% पार्ट ऑफ द एनर्जी विच यू आर इनपुटिंग, आप जो भी एनर्जी इनपुट कर रहे हो उसका 85% तो मशीन लोड तक पहुंचाएगी, आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, बाकी का जो 15% बचेगा दैट विल वेस्टेड इन द सराउंडिंग्स, वो वेस्ट हो जाएगा। कोई मशीन अगर 60% एफिशियंट होगी इट मीन्स वो हमारे इनपुट एनर्जी का 60% पार्ट यूटिलाइज करेगी, बाकी 40% वो वेस्ट कर देगी। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी वीआर एंड एमए, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी में रिलेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू एमए अपॉन वीआर, ये डेरिवेशन फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस डेरिवेशन अगर कोई आपसे कहता भी है कि रिड्यूस लेवल्स पे सारे डेरिवेशन हट गए तो आप उसकी बात को बिना समझे सोचे समझे मानोगे नहीं, आप सबसे पहले रिड्यूस लेवल चेक करिए। मैं आपको बता दूं कहीं पर भी क्लियरली नहीं लिखा है कि इसका डेरिवेशन हटाए कि नहीं, और उसके पीछे मैं लॉजिक बता दूं आपको, अगर आप ये डेरिवेशन नहीं सीखोगे तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, मशीन से रिलेटेड जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। लिवर एग्जैक्टली रिड्यूस सिलेबस में है यानी कि वो हट चुका है, सिलेबस से हट चुका है इस साल के लिए, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये फॉर्मूला रिड्यूस किया गया है। तो इसलिए पॉजिटिवली मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि आपको जो मैं प्रिपरेशन बोर्ड की करा रहा हूं, सबसे पहले आपको अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिवली रखना है, ना तो उसमें एक्सक्यूजेस होने चाहिए और ना ही कोई निगेटिविटी होनी चाहिए, देन ओनली दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, सो इसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लीजिए, जो मैंने सिंपल मशीन्स का पार्ट वन का वीडियो दिया है वहां से आपको इसका डेरिवेशन इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, मशीन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में इतना ही, क्योंकि इसके तुरंत बाद लिवर शुरू हो जा रहा है और लिवर का पूरा पार्ट डिडक्ट हो चुका है। तो अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट भी हमारे लिए बहुत लिमिटेड है, दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं बता दूं लिमिटेड स्टडी करिए आप उसमें,
बहुत ज्यादा स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी बहुत कम ही बचा है, आपको उसमें रिविजन करना है वो भी पॉजिटिव वे में, तो आपको लिमिटेड चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको उसमें क्या देख लेना है, सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली इसका स्ट्रक्चर तो आप समझते ही हो, आपने सभी लोगों ने बेल्ट में देखी होगी। सेकेंड पॉइंट है सिंगल मूवेबल पुली, जो मूव हो सकती है, जिसका एक्सिस फिक्स नहीं होता है, ये अपने एक्सिस पर मूव हो सकती है। इन दोनों के ही आपको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, इन आइडियल केस एंड इन एक्चुअल केस, इन बोथ टू केसेस यू हैव टू प्रिपेयर। जो सिंगल फिक्स्ड पुली होती है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, तीनों की वैल्यू वन होती है आइडियल केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्चुअल केस की, तो एक्चुअल केस में वेलोसिटी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज वन से कम का हो जाएगा। और जब मैकेनिकल एडवांटेज वन से कम का हो जाता है, तो हम जानते हैं कि वो मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर नहीं रह जाती है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर सिंगल फिक्स पुली मैकेनिकल एडवांटेज वन का हमें वन से कम का दे रही है, तो आखिर इस मशीन को हम मशीन क्यों कहें, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या इसका फायदा है हमारे लिए। सो यस, इट हैज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ऑल्सो, इट इज यूज टू अप्लाई द फोर्स इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। आप इमेजिन करिए, कुएं से आप बकेट निकाल रहे हो पानी भरी हुई, तो अगर आप सिंगल फिक्स पुली का यूज नहीं करोगे, देन यू हैव टू लिफ्ट द बकेट अपवर्ड्स, आपको फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफी इनकन्वीनियंट हो जाएगा। और जब हम सिंगल फिक्स्ड पुली से यूज करेंगे उसी बकेट को, तब हम फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमारे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड बात आती है सिंगल मूवेबल पुली में ऐसा क्या है। सिंगल मूवेबल पुली में आपको मैकेनिकल एडवांटेज 2 का मिलेगा, वेलोसिटी रेशियो 2 का मिलेगा, और जल्दबाजी में ये मत लिख दीजिएगा एफिशिएंसी भी 2 की मिलेगी। एफिशिएंसी यू विल गेट 100%, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा 100% ही रहती है, वो भी मैक्सिमम आइडियल केस में, हमेशा वो कम ही रहती है। तो अगर जल्दबाजी में कई स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है, वो एफिशिएंसी को भी 2 लिख देते, तो वो गलती आप नहीं करोगे। ये तो बात हो गई आइडियल केस में। एक्चुअल केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 से थोड़ा कम हो गया, वेलोसिटी रेशियो वही रहेगा, तो एफिशिएंसी भी 100% से कम आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से यहां एफिशिएंसी कम हो रही है। तो दो रीजन्स हैं। द फर्स्ट थिंग, द पुली हैज इटसेल्फ सम वेट, पुली का भी खुद का कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा। दूसरा रीजन, पुली बियरिंग्स में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा, और जो स्प्रिंग्स हम लोग यूज करते हैं दैट आर नॉट परफेक्टली स्मूथ या इलास्टिक नहीं होती है, जिस वजह से वहां पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर लग जाता है। तो ये 3-4 रीजन्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि क्यों ये एफिशिएंसी 100% की नहीं दे पाते। कभी कभी क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है, व्हाई इज ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो इन दीज सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। उसका आंसर भी आप यही लिखोगे, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझिए। इसमें हमें मिलता फायदा क्या है, फोर्स को कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई करने का। इसमें क्या बेनिफिट मिलता है हमें, मैकेनिकल एडवांटेज का। अगर हमें दोनों बेनिफिट साथ में चाहिए, कन्वीनियंट डायरेक्शन भी चाहिए हमें और उसके साथ ही साथ हमें मैकेनिकल एडवांटेज भी चाहिए, तो अब हम लोग इनका एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ सिंगल मूवेबल पुली कैन बी कंबाइनली यूज फॉर दीज टू पर्पसेस, कन्वीनियंट डायरेक्शन ऑल्सो फोर्स की और मैकेनिकल एडवांटेज की। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लीजिए, याद रखिएगा पुली के डायग्राम्स एग्जाम में जरूर आते हैं, और पुली के डायग्राम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ टेंशन। जो टेंशन हमें रिप्रेजेंट करना है उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो टेंशन पर कुछ ज्यादा ही फोकस रहेंगे, इसी पर सारे मार्क्स आपके डिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों टॉपिक्स के बाद, जो सिंगल मूवेबल और सिंगल फिक्स्ड पुली की मैं बात कर रहा था, इसके बाद हमें दो कॉम्बिनेशन और पढ़ने। एक कॉम्बिनेशन होता है यूजिंग वन फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल, एक फिक्स्ड को और बाकी की जो है वो मूवेबल रहेंगे, एंड अदर मूवेबल। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है दैट इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम।
याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं जितने टॉपिक्स आपको बता रहा हूं आपको सिर्फ इन्हीं को टैकल करना है, इन्हीं को नोट करना है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए उसे, अगर आप बोर्ड के लिए पॉजिटिवली प्रिपेयर होना चाहते हैं तो। वैसे तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यह भी कहा है कि रीडिंग आपको एक बार कंप्लीट चैप्टर की करनी है, बट फोकस इन पॉइंट्स पर ज्यादा कर लीजिएगा। यूजिंग वन फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास सपोज फोर पुली जो है उसमें से आपने एक को फिक्स कर दिया बाकी तीन को मूवेबल रखा, तो वहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज आता है वो आता है टू टू द पावर एन, जहां पे जो एन है दैट इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। तो जैसा कि मैंने कहा कि तीन पुलीज आपने मूवेबल रखी है, तो तीन पुलीज मूवेबल रखने का मतलब है टू टू द पावर थ्री, टू की पावर थ्री वैल्यू कितनी आ गई एट। तो इसका मतलब है कि ऐसा अरेंजमेंट हमें एट का मैकेनिकल एडवांटेज दे सकता है आइडियल केस में, यूजिंग वन फिक्स्ड एंड थ्री मूवेबल पुली। तो ये हमारा पहला सिस्टम है, इसका आइडियल केस में एमए भी यही रहेगा, वेलोसिटी रेशियो भी यही रहेगा और एफिशिएंसी 100%। और जब हम बात करेंगे एक्चुअल केस की तो एमए टू टू द पावर एन से थोड़ा कम हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो एज इट इज रहेगा और एफिशिएंसी भी 100% से कम हो जाएगी। और रीजन ऐसा क्यों हुआ, फिर से वही, पुली बियरिंग्स आर नॉट परफेक्टली फ्रिक्शनलेस, पुली हैज इटसेल्फ सम वेट, स्प्रिंग्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक। वही तीन चार रीजंस जो भी मैं पहले आपको बता के आया हूं वो यहां पर भी अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है हमारा ब्लॉक एंड टैकल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। चार और पांच ये दो डायग्राम्स आपकी बुक्स में दिए गए हैं, 10-10 बार कम से कम रिपीटेशन आप कर लीजिए इनके, जरूर इनमें से एक डायग्राम आपको मिलेगा। और मैं बता दूं जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा वो ये डायग्राम एक बार में बना नहीं सकता एक्यूरेटली। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर मशीन, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है दैट इज इक्वल्स टू एन, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू एन, यहां पर जो एन होता है दैट इज नंबर ऑफ पुलीज होंगी, टोटल पुलीज। अगर मान लीजिए हम लोग फोर पुलीज का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ले रहे हैं तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज फोर होगा, वेलोसिटी रेशियो फोर होगा, एफिशिएंसी 100% होगी आइडियल केस में। और अगर हम लोग फाइव पुलीज का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ले रहे हैं तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइव होगा, वेलोसिटी रेशियो फाइव होगा और एफिशिएंसी 100% होगी आइडियल केस में। एक्चुअल केस में क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा कम, वेलोसिटी रेशियो एज इट इज और एफिशिएंसी 100% से कम। एक क्वेश्चन और बचता है इसमें, वट आर द वे, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम एफिशिएंसी को ग्रेटर बढ़ा सकते हैं ब्लॉक एंड टैकल में। तो दो तरीके हैं, द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करना। और दूसरा लोअर ब्लॉक, जो ब्लॉक एंड टैकल में दो ब्लॉक्स होते हैं, एक अपर और एक लोअर, लोअर ब्लॉक मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ पुलीज, लोअर ब्लॉक में जितनी कम से कम पुलिस रहेंगी उतना हमारे लिए एफिशिएंसी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर मशीन्स। याद रखिएगा ब्लॉक एंड टैकल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन्स की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, टेंशन से रिलेटेड एरो और टी लिखा होना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप ब्लॉक एंड टैकल का डायग्राम बनाओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने साथ तीन डिफरेंट साइज के कॉइंस या सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लेकर रखो, क्योंकि वहां पर पुली का साइज डिफरेंट होता है और वो चीज कॉइंस कंपस हमें उतना मेजरमेंट नहीं दे पाता है छोटा, इसलिए कॉइंस आप अपने साथ तीन डिफरेंट साइज के हमेशा रखिए, उसकी हेल्प से जब आप बनाओगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा और एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपसे वो इजिली बनने लगेगा। तो आज के वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपने और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और लाइक करना मत भूलें, शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।